मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर रेगुलेटर ट्राई शेयरिंग की गाइडलाइंस लाने के लिए जनवरी में कंसल्टेशन पेपर जारी करेगा। असीम हमारे साथ है इस खबर से जुड़ी हुई और डिटेल्स लेकर। असीम बताइए एग्जैक्टली क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, जो कंसल्टेशन पेपर जारी होंगे उसकी क्या बारीकियां रह सकती है और क्या जनवरी तक एक्सपेक्ट करने चाहिए पेपर्स? दीपाली देखिए, जो अभी टेलीकॉम कंपनी है उनको सिर्फ पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको शेयरिंग करने की इजाजत है। कंपनी अपने टावर या बीटीएस है उनको जो है शेयर कर सकती है, लेकिन कंपनियों को एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने की इजाजत नहीं है। तो टेलीकॉम कंपनियों ने रेगुलेटर से कहा था कि हम मांग की थी कि हमको एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको शेयरिंग की इजाजत जो है वो दे। तो जो ट्राई है वो टेलीकॉम कंपनियों की मांग के ऊपर विचार करने के लिए तैयार हो गया। जो हमें सूत्र के हवाले से जानकारी मिली कि ट्राई जो है जनवरी में इसको लेकर के कंसल्टेशन पेपर जो है जारी करेगा, सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक जो है वो भी करेगा और उसके बाद फरवरी तक अपनी रिकमेंडेशन जो है सरकार को सौंप सकता है। तो इन रिकमेंडेशंस को अगर सरकार मंजूरी जो है वो देती है तो टेलीकॉम कंपनियों को अपनी लागत जो है काफी कम हो जाएगी। तकरीबन 20-25% टेलीकॉम कंपनियों का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग करने से कॉस्ट जो है वो उनकी कम हो जाएगी। खासतौर पर वो टेलीकॉम कंपनी जहाँ 5G सर्विसेज लाने की तैयारी जो है वो कर रही है तो टेलीकॉम कंपनियों को उसमें काफी राहत मिलेगी। उनको कम से कम नेटवर्क लगाना पड़ेगा, रोल आउट करना पड़ेगा, तो उसमें काफी सेविंग जो है टेलीकॉम कंपनियों को मिलेगी। तो अगले 1-2 महीने के अंदर एक से दो महीने के अंदर ही गाइडलाइंस आ सकती हैं, असीम ने बताया। इनफैक्ट टेलीकॉम कंपनियों की जो लागत है इसकी वजह से वो 20-25% कम होगी। तो अगर ये गाइडलाइंस आती हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा पूरे ही टेलीकॉम पैक।